इसमें ये कहूंगी कि अगर ये जो घटना है मणिपुर में, अगर इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अगर सरकार इसका सपोर्ट नहीं करती, तो फिर कब का ये जो एथनिक वायलेंस है वो कब का सरकार उसके ऊपर एक्शन लेते होते। पर अभी मणिपुर के केस अलग है, मणिपुर में सरकार भी उनका जो सीएम बीरेन सिंह है वो भी अपना कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी हथियार है, बंदूक है, सब कुछ गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर अगर सेंट्रल हमारा साथ नहीं देगा, अगर पूरा भारत देश हमारा साथ नहीं देगा, तो फिर हम इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? हम तो बहुत कम है गिनने में भी, और हमारे पास ऐसा कोई हथियार या ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिससे हम उनको डिफीट कर पाए। आपको लग रहा है कि जो मैथिली समुदाय के लोग हमला कर रहे हैं उनको सरकार का संरक्षण है, सिस्टम का सपोर्ट भी मिल रहा है? हमें सिर्फ यही नहीं लग रहा है, लेकिन यही सच है, यही सच है। क्योंकि पिछले सालों में जब से बीरेन सिंह सीएम बने हैं, तब से उन्होंने बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं, और गन लाइसेंस इशू किए हैं। और जब इतने सारे गन लाइसेंस इशू किए हैं, हमारे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, उन्होंने वहाँ लाइसेंस गन्स को कलेक्ट किए हैं। और सिर्फ वही नहीं, ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर ये मेईतेई लोग जाके गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो इम्फाल में है वहाँ जाके पूछते हैं और जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेईतेई मतलब कुकीज़ाओ लोग रहते हैं, और उसे मार्क करते हैं। और जब ये एथनिक वायलेंस शुरू हुआ 3 तारीख मई को, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ वो मार्किंग हुआ था वही उनके ऊपर ही हमला किया जा रहा है, किसी और घर का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। तो फिर मैं तो ये पूरा प्री प्लान लग रहा है। हाँ जी, पूरा प्री प्लानिंग है। और ये जो हथियार वगैरह है इस छोटे समय में कहाँ से मिलेगा उनको? अगर सरकार का सपोर्ट नहीं है या अगर उन्होंने प्री प्लानिंग नहीं किया, तो फिर उनको कहाँ से मिलेगा? और समाज के लोगों के पास हथियार नहीं है, होते होंगे शायद, पर उतना नहीं होंगे अगर प्लानिंग नहीं होता कि इतना एथनिक वायलेंस कैरी आउट कर सके। हाँ, लाइसेंस गन्स तो होंगे या ऐसे कोई छोटे मोटे होंगे, पर इतना सारा नहीं होगा उनके पास। और मैं अंत में ये विनती कहना चाहती हूँ कि हम हाँ यहाँ आके प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हमें अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, हमें अपना मांग नहीं मिलता। हम गाते रहेंगे ये हम होंगे कामयाब, हम गाते रहेंगे। पर अगर पूरा देश, पूरा भारत, हमारे जो फेलो सिटीजन्स हैं, अगर आप हमारे मदद नहीं करते, तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप जैसे अभी अपना आवाज़ उठा रहे हो हमारे लिए, वैसे भी भविष्य में भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहना और हमारे साथ इस लड़ाई में आके लड़े। ये वायरल वीडियो होने के बाद ही सरकार ने बोला है, अपना आवाज़ उठाया है, और ये वीडियो भी 2 महीने के बाद ही वायरल हुआ है। तो इसका मतलब क्या, ये वायरल वीडियो होने के बाद ही हम भारत के हिस्से बने हैं? क्या हम इससे पहले इंडियंस नहीं थे? क्या आप हमें पार्ट ऑफ इंडिया नहीं मानते थे? प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? वो लंबे समय के बाद इस घटना पर बोले, कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी, उसे तो पता होगा कि पहला दिन से क्या हो रहा है मणिपुर में उसका, और बीरेन सिंह जी जो मणिपुर के सीएम हैं बहुत क्लोज टाइज है और एक ही पार्टी है, तो फिर उसको बिल्कुल मालूम होगा कि उसके देश में क्या चल रहा है। पर उन्होंने चुप होने की डिसीजन लिया, वो बहुत सारे विदेश यात्रियों पर गए, पर उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ नहीं बोला। पर अब जब ये वायरल वीडियो लीक हुआ, जब इसका ये जो सरकार है, इसका नाम जो है, इसका इमेज, पर्सनल रेपुटेशन जब बदनाम होने वाला है, तब भी उन्होंने बोला, इसका मतलब है कि इस वीडियो ने उसे मजबूर किया है बोलने के लिए। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता, तो फिर हमें पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जी अभी तक ये जो मणिपुर की जो बात चल रहा है वो अभी तक नज़रअंदाज करते और अभी तक वो अपने कुर्सी पे आपकी बात हो रही है मणिपुर में, आपके परिचित लोगों से, आपके परिवार के लोगों से, कैसी स्थिति है अभी? क्या कुछ बदलाव आ रहा है? क्या कुछ शांति की तरफ चल रहे हैं? क्या
ये वीडियो लीक होने के बाद पूरा देश हमारे साथ है, हम बहुत खुश हैं इसके बारे में। और हमने सोचा कि हाँ चलो ठीक है, अब पूरा देश ने हमारा ये जो बात है सुन लिया, अब हम साथ में आवाज़ उठा के इसके खिलाफ लड़ेंगे। पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद और उससे भी इस वीडियो लीक होने के बाद भी हमने बहुत सारे प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद भी ये जो हमला किया है उन मेईतेई लोगों ने हमारे ऊपर, ये रुका नहीं, अभी भी फायरिंग चल रहा है घर पे। और कल भी हमारा एक लड़का मरा हुआ है, मर गया है, और चोट लगी है दूसरे लोगों को भी। तो हमारा इतने सारे जवान आर्मी में हैं, देश के लिए उन्होंने अपना जान हाजिर करके देश बचाने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर घर पे यहाँ उनके परिवार को रेफ्यूजीज माना जा रहे हैं, इनके बीवियों को, इनके बेटियों को रेप करी जा रहे हैं और सरकार चुप बैठे हैं। क्या लगता है लाखों की संख्या में हमारे देश में आर्मी है, सरकार अगर चाहे केंद्र सरकार तो वहाँ भारी फोर्स भेज करके शांति स्थापित की जा सकती है, तो क्या केंद्र सरकार का रवैया जो है वो आपके प्रति भेदभावपूर्ण लग रहा है आपको? अगर सरकार चाहते हैं कि ये जो एथनिक वायलेंस है, ये जो लड़ाई है, ये बंद हो जाए, तो फिर वो कब का कर देते हैं ना। पहले दिन से उन्होंने कुछ नहीं किया, बीरेंद्र सिंह जी या फिर सेंट्रल का जो सरकार है उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यही है कि जो भी मणिपुर में हो रहा है इसका स्टेट का सरकार इसके पीछे है, और भारत सरकार, ये जो सेंट्रल सरकार है बहुत अच्छे से पता है उनको। अब देखिए, जनता ने ही उनको कुर्सी पर बिठाया है, जनता ने ही उनको वोट करके वहाँ तक पहुँचाया है। पर आज जब जनता को ये सब सहना पड़ रहा है, जब मणिपुर के जो कुकी जऊ हैं उन पर एथनिक वायलेंस, एथनिक क्लेंसिंग हो रहा है, तब ये जो हमारा सरकार है जिनको हमने चुना है वो अभी चुप बैठे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, हम आपसे विनती भी करते हैं कि आप एक ऐसा प्रधानमंत्री ना बने जिसे हम जो जिन्होंने आपको वोट किया है हमें पछताना पड़े कि आपको क्यों चुना। हम ये चाहते हैं। मणिपुर के सीएम बीरेन जी का एक बयान आया था कि ऐसी घटनाएं वहां पर होती रहती हैं, तो क्या इतने भयावह हालात हैं मणिपुर में? उन्होंने बोला कि ये जो दो महिलाओं के साथ हुआ है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटा मामला है। देखिए, अगर इतने सारे FIR फाइल हुए थे और इतने सारे केसेस हैं, तो फिर आपने पहला केस से ही क्यों कुछ नहीं किया, आप अभी तक शांति में क्यों बैठे हैं? अगर आपने पहला केस से ही सब कुछ कंट्रोल में रखते तो फिर हालत इतना नहीं बिगड़ता और अब बात यहाँ तक नहीं पहुँचता। और हमें यकीन है कि अगर अभी भी सरकार कुछ नहीं करते, अभी भी उन गुनहगारों को सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा हमें फांसी चाहिए उनके लिए, अगर उनको ये नहीं मिलती तो फिर भविष्य में भी, सिर्फ आज तो सिर्फ कुकी जऊ लोगों के साथ हुआ है, भविष्य में भारत के किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही गई थी भाजपा के द्वारा, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है ये सरकार जो है महिला सुरक्षा में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है? हमें मंजूर है और मैं मानती भी हूँ कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस स्कीम ने बहुत सारे लड़कियों की जान जो खतरे में थे उनको बचाया, पर अभी जब वो अगर इस स्कीम को भारत में इंट्रोड्यूस किए गए तो फिर पूरा भारत में फेयरली इंट्रोड्यूस क्यों किया नहीं गया। वहाँ हमारे जो मणिपुर में है इसका कोई अवेयरनेस नहीं है, और ये विमेन हेल्पलाइन वगैरह का भी हमें बहुत कम पता है। तो फिर अगर मोदी जी को महिलाओं का सुरक्षित के लिए इतना चिंता है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो पूरा देश के महिलाओं के लिए चिंता करें, सिर्फ मेनलैंड इंडिया का नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा ही है। मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री, राजस्थान में कल गए थे, विदेशी दौरों पर भी जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के पास
पास समय है विदेश यात्राओं पर जाने के लिए और इलेक्शन कैंपेन्स पे जाने के लिए, उनके पास बहुत समय है। एक जानवर का जो जान चला गया उन पर बोलने का बहुत समय है, पर उनके लिए समय नहीं है, उनके लिए सिर्फ 30 सेकंड है मणिपुर के बारे में बोलने का। तो फिर प्रधानमंत्री जी, अगर आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ हाथ मिल सकते हैं, अगर आप एक फ़ोन कॉल से रशियन यूक्रेन वार को रोक सकते हैं, तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले लगा के उनके साथ हाथ मिलके जिनको ये एथनिक वायलेंस से जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं उनको जाके ये क्यों नहीं समझा देते कि वो आपके ऊपर उम्मीद रख सकते हैं, अभी भी आप उनका चिंता कर रहे हैं।